नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 तेज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिका तैयार, चीन को दी दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा में चर्चा, सदन में हुआ जमकर हंगामा, कृषि मंत्री ने सदन में कहा कि किसान यूनियन बता दे कि आखिर इस कानून में काला है क्या। तीनों कृषि कानूनों का विरोध तेज, किसान कल करेंगे देशभर में चक्का जाम, किसान आंदोलन पर छिड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा, देशभर में कोरोना के अब तक 1,54,823 एक्टिव केस। भारत बना सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाला देश, अब तक 45 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, भारत ने यह आंकड़ा सिर्फ 18 दिन में ही किया हासिल। जयपुर में शतक के नजदीक पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल पहुंचा प्रति लीटर 93.26 रुपए पर तो डीजल पहुंचा प्रति लीटर 85.30 रुपए पर। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने एक बार फिर ली करवट, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, बारिश से तापमान में आएगी गिरावट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया बजट से पूर्व संवाद, 5 और 6 फरवरी को करेंगे बजट पर संवाद, राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की ली बैठक। सीएम गहलोत ने आज की कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, 6 फरवरी को गैर सरकारी संगठनों, विभिन्न सोसाइटी और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे चर्चा। जोधपुर में शहीद लक्ष्मण पिचकिया की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि, जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए थे लक्ष्मण पिचकिया शहीद। श्रीगंगानगर के घरसाना में कृषि कानूनों का विरोध तेज, नई मंडी घरसाना सहित आसपास के इलाकों में चक्का जाम, कल गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों ने बनाई रणनीति। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, गुड़ामालानी उपखंड अधिकारी 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप, स्टे लगाने के एवज में एसडीएम ने मांगी थी रिश्वत। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में गिरावड़ी मोड़ पर 2 वाहनों के बीच भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत, 11 घायल, 6 घायलों को सीकर किया रेफर। अलवर के भिवाड़ी में बीच बाजार पर पलटा पत्थरों का भरा डंपर, मौके पर खड़े 3 लोगों ने भागकर बचाई जान, सड़क निर्माण कार्य के दौरान डंपर हुआ असंतुलित। छात्रों की पढ़ाई के लिए तकनीकी निदेशालय ने बनाया ऐप, हर विभाग का सिलेबस उपलब्ध होगा ऐप पर, तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर ने बनाया ये ऐप। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने भीख मांगते नाबालिग बच्चों को पकड़ा, थाने लेकर बच्चों से की जा रही थी पूछताछ, पुलिस भीख मंगवाने वाले गिरोह का लगाना चाहती है पता। अजमेर सिविल लाइन थाना पुलिस ने गबन के आरोपी से की पूछताछ, जोधपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार, 7,50,000 रुपए के गबन का था मामला। भरतपुर के बयाना में बदमाशों ने की युवक के साथ लूट, बाइक नकदी और मोबाइल लूटे, गुर्दा डांग गांव का मामला। अजमेर में सफाई कर्मचारियों को लगाई गई वैक्सीन, 490 सफाई कर्मचारियों को चिन्हित कर किया टीकाकरण, जेएलएन अस्पताल में लगाई गई वैक्सीन। सीकर के फतेहपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में संत निश्चलानाथ महाराज भी पहुंचे, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। हनुमानगढ़ जंक्शन पर दूसरे प्रवेश द्वार की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़ के नेतृत्व में रेल मंडल प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन, प्रबंधक ने दिया आश्वासन। पाली के रायपुर में संत कालूराम जी महाराज की बस्ती पर निकली शोभायात्रा, शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु, गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभायात्रा। डूंगरपुर जिले के बोरी गांव में युवक का मिला शव, इलाके में मची सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। डूंगरपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू, डूंगरपुर नगर परिषद और सांतवाड़ा नगर पालिका के कर्मचारियों को लगाई गई वैक्सीन। झुंझुनू के चिड़ावा सीएचसी का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, कांग्रेस नेता मेहर कटारिया ने की कलेक्टर से शिकायत, कहा एक्सरे मशीन को खराब बताकर करवाई जा रही है लूट। डूंगरपुर में ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने किया लिया भाग, अन्य लोगों को भी किया जागरूक।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु, पुलिस जुटी मामले की जांच में शव का कराया गया पोस्टमार्टम। उदयपुर के हिरनमगरी में नगर निगम ने किया अवैध दुकानों को सीज, तुलसी निकेतन में बनी थी दुकानें, समिति को पिछले काफी समय से दिए जा रहे थे नोटिस। यूपी के मैनपुरी पहुंचे यूथ कांग्रेस के महासचिव, नौकरी संवाद के तहत आए हैं महासचिव आनंद बघेल, रोजगार को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना। यूपी के हरदोई में शव को निकलवाया गया कब्र से, दोबारा से करवाया गया पोस्टमार्टम, नहर में कार के गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी महिला की मृत्यु। यूपी के महाराजगंज में भूमि विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल, चौक थाना क्षेत्र की दूधारी गांव का मामला, एक महिला की दर्जन भर लोगों ने की पिटाई। यूपी के महाराजगंज पहुंचे पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी, चौरी चौरा शताब्दी समारोह के लिए पहुंचे तिवारी, शहीद स्थल पर स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। यूपी के कन्नौज में खबर चलने से बौखलाए सिकंदरपुर चौकी के पुलिसकर्मी, चौकी के सिपाही जितेंद्र ने पत्रकार के घर पहुंचकर की अपहरण की कोशिश, स्थानीय लोगों ने बचाई पत्रकार की जान। यूपी के लखीमपुर खीरी के गांव में जुल्हेपुरा के घर में लगी आग, आग में बाइक और मवेशी समेत लाखों का सामान जलकर खाक, ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। एमपी के रायसेन में वन विभाग पर मनमानी का आरोप, तीन युवकों को नाकामी छुपाने के लिए भेजा जेल, लकड़ी कटाई के मामले में नाकामी छुपाने के आरोप। एमपी के रायसेन में बुजुर्ग दंपत्ति लगा रहे पेंशन कार्यालय के चक्कर, ग्राम पंचायत सुनारी का है मामला, कर्मचारी नहीं सुन रहे बुजुर्ग दंपत्ति की गुहार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।